Hey class 9th, so we have completed almost the chapter and right now we are in the last topic, that is nervous tissue, or called as nerve tissue also. Okay, clear? So what do you mean by nerve tissue? This is a special tissue, okay, which is made from nerve cell. नर्व टिश्यू नर्व सेल से बना है एंड वी कॉल द नर्व सेल एज न्यूरॉन. ओके, वी कॉल देम एज न्यूरॉन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस नर्व टिश्यू? दैट दीज नर्व टिश्यूज दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग मैसेज. ओके, मैसेज विद इन आवर बॉडी. Within our body, हमारे body के अंदर message transmit करने के लिए ये tissue हमें help करता है. ये तुम message कैसे करते हो? You make a text message, you make a WhatsApp message, you make a voice message. So here in nerve tissue, we don't have that facilities. We have a facility of impulses. Okay? Means electrical signal. Okay? So the message inside or message that is transferred within the body through nerve tissue is transferred in the form of impulse. And impulse exactly means electrical signals. Clear? Means this is a nerve. You have seen a nerve tissue, right? Like this is nerve tissue. You will see it. Okay? Means from this is a nerve tissue. इसके नीचे एक और nerve tissue होगा, ऊपर एक और nerve tissue होगा. ऊपर से आएगा, इसको देगा, ये आगे बढ़ाएगा. समझ में आ रहा है? Clear? So ये mainly हमारे brain में रहता है, spinal cord में रहता है nerve tissue. और जितने nerves हैं, normal nerves, clear? ये सब neuron से बने हैं. Brain बना है totally neuron से, सारे nerve बने हैं neuron से, spinal cord बना है neuron से. Okay? So अगर neuron से बना है means neuron have a very good means property, कुछ तो character है. So let's read about neuron. Okay? Neuron के बारे में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के साथ. ओके, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. क्लियर? देख सकते हो यहाँ पे ये पहला पार्ट है, इसको हम सेल बॉडी बोलेंगे. इट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटॉन. क्लियर? कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटॉन. इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लस इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें एक खास तरह का ग्रैनुअल है जिसको हम बोलते हैं निजल्स ग्रैनुअल. क्या बोलते हैं? निजल्स ग्रैनुअल. ये दिया गया, देखो, निजल्स ग्रैनुअल. व्हाट इज दिस निजल्स ग्रैनुअल? दे आर द क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम्स. ओके, ये क्लब मतलब जुड़ा हुआ पार्ट. राइबोसोम्स जहां पे इकट्ठा होंगे वो बन जाएगा निजल्स ग्रैनुअल. क्लियर? यहां पे पाए जाएंगे. क्लियर? समझ में आया है? दे आर स्टेन्ड. स्टेन्ड मतलब दाग दाग दिखता है इसमें. ओके, नेक्स्ट, इस सेल बॉडी से निकला हुआ छोटा छोटा फाइबर देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको बोलेंगे डेंड्रॉन. क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन. क्लियर? DENDRON, डेंड्रॉन. और इनका जो एंड पार्ट, जहां बहुत ही पतला पतला फाइबर ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है, जो बहुत ही पतला पतला फाइबर है, तुम देख सकते हो ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये डेंड्रॉन है. ये जो पार्ट मोटा सा दिख रहा है, जो डायरेक्टली सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो डेंड्रॉन है. डेंड्रॉन से जो एक्स्ट्रा निकला होगा वो है डेंड्राइट. क्लियर? वो है डेंड्राइट. डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? ये इसके ऊपर भी तो एक न्यूरॉन होता है ना, लगा होता है कनेक्शन, तो उसका एंड से ये डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है. इसका काम है रिसीव करना. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो, ये तो छोटा छोटा फाइबर है, सेल बॉडी के एक तरह से लंबा सा फाइबर निकला है पूरा. ये बीच का पार्ट, सिर्फ ये लाइन देखो, ये मोटा साइड साइड का मत देखो, ये बीच का लाइन देखो, ये तुम्हारे लिए है एक्सॉन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. समझ में आया? सो एक्सॉन क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग फाइबर दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. ये क्या करता है? सेल बॉडी से इंपल्सेस लेता है, कहां तक? ये अदर सेल्स को भेजता है, लेकिन भेजता है इसके एंड से. इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग. ये है नर्व एंडिंग. क्लियर? एक्सॉन का एंड में नर्व एंडिंग होता है, और नर्व एंडिंग के लास्ट का जो टर्मिनल्स देखो, ये लाइन, ये लाइन देखो. क्लियर? ये लाइंस देखो,
ये एंड्स को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके, क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नॉब, अदरवाइज कॉल्ड एज बटन। क्लियर, इसको बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब या बटन। क्लियर, दिस इज सिनेप्टिक नॉब, ये एंड। ओके, समझ में आया? ये बटन में ना कुछ वेसिकल्स होते हैं। द बटन कंटेन्स सम वेसिकल्स, मींस राउंड स्ट्रक्चर्स। ये वेसिकल्स के अंदर कुछ खास तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? जो इम्पल्सिस को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। समझ में आया? पेट्रोल गाड़ी को चलाने में हेल्प करता है, उसी तरह ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा चीज है जो कि जो इम्पल्स यहां से आया ऐसा आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां पर रुक जाता है, तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक खास तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर, जिसका नाम है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं लेकिन यहां पे है एसिटाइल कोलिन, नाम है एसिटाइल कोलिन। क्लियर, समझ में आया? तो ये एक्सॉन, एक्सॉन का एंड में तुम्हारा क्या है? नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग का लास्ट टर्मिनल है ये वाला। टर्मिनल के एंड्स पे, ये स्मॉल टर्मिनल्स के एंड्स पे सिनेप्टिक नॉब या बटन होता है, और ये बटन में वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। क्लियर, समझ में आया? ओके, यहां देखो ये ऐसा कुछ शीथ बना है, ऐसा ऐसा बना है ना। सपोज ये ऐसा, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के इस तरफ ऐसा बना है, फिर ऐसा बना है, बना है, तो इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, या फिर इसको बोलेंगे मेड्यूलरी शीथ। शीथ मतलब लेयर, माइलिन शीथ या मेड्यूलरी शीथ। इसका नाम माइलिन शीथ क्यों गिरा? क्योंकि ये जो लेयर बना है ये माइलिन से बना है। किससे बना है? माइलिन एक केमिकल है, फैटी केमिकल, इससे बना है। ये माइलिन कौन प्रोड्यूस करता है? यहीं पे ही कुछ खास सेल्स हैं जिनका नाम है स्क्वान सेल्स। स्क्वान सेल्स एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इट्स कॉल्ड स्क्वान सेल्स। ओके, स्क्वान सेल्स प्रोड्यूसेस माइलिन, एंड अ लेयर ऑफ माइलिन इज डिपॉजिटेड व्हिच इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। क्लियर, यू कैन सी देयर इज अ गैप बिटवीन द माइलिन शीथ, दिस गैप इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर। ओके, नोड ऑफ रणवीर, रणवीर मत बोलना इसको, इट्स कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर। ओके, रणवीर, नोड ऑफ रणवीर इज द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है ये तुम्हारे लिए है नोड ऑफ रणवीर। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, सिंपल सा है, ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। किसका? इम्पल्सिस का, इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेसिकली जनरली हम न्यूरॉन्स को तीन तरह में डिवाइड करते हैं, एक है तुम्हारा सेंसोरी न्यूरॉन, दूसरा है तुम्हारा मोटर न्यूरॉन, तीसरा है तुम्हारा मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसोरी क्या है? जो बॉडी ऑर्गन से मैसेजेस या इम्पल्सिस लाके CNS को दे। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हम ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को CNS मानते हैं। क्लियर, सो सेंसोरी न्यूरॉन क्या करता है? बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कुछ भी हुआ तो वो CNS को इन्फॉर्म करेगा, यानी मैसेज बॉडी ऑर्गन से CNS तक जाएगा। मोटर, तो ये जाता है CNS से बॉडी ऑर्गन। अगर ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को कुछ भी ऑर्डर देना होगा तो वो कैसे देगा? वो देगा CNS से बॉडी ऑर्गन को। CNS से जो बॉडी ऑर्गन जाएगा मैसेज, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। और मिक्स्ड क्या है? जो दोनों करे, मींस बॉडी ऑर्गन से CNS को भी देगा प्लस CNS से बॉडी ऑर्गन को भी देगा। समझ में आया? क्लियर, नर्वस टिश्यू खत्म, चैप्टर कंप्लीट, गो थ्रू इट प्रॉपरली, इफ एंड डाउट टेल मी, आई एम गिविंग यू 2 days टाइम, 2 दिन तुम घर बैठो पढ़ो समझो, डाउट है बताओ मेरे को, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। और याद रहे, जितना भी पढ़ाया हुआ साइंस का, क्लास बहुत जल्द खुलने वाला है, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून में हम क्लास खोल देंगे। उसके बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ 1 हफ्ता अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, उसके बाद लूंगा टेस्ट, स्कोर नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट 70-75%
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा। क्लियर? पढ़ लो, समझ लो, डाउट्स होगा हेल्प करूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।